इनसे मिलो। ये है मेरी बेटी प्रिया, अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश से लौटी है। तो ये सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ था। हाय, I'm Vicky. Hi. प्यार से लोग मुझे विकी कहते हैं। बस यही देखना रह गया था 2004 में भी। जिन लॉट, ये देखने से पहले मैं 2014 में क्यों नहीं चली गई? Yes, विकी, ब्रिज अंकल याद है तुम्हें? दिल्ली वाले? Oh yeah. उन्हीं का बेटा। ओके। जिसके साथ बचपन में तुम खूब खेला करती थी और लड़ा भी करती थी। Of course मुझे याद है, तुम तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, क्यूट से, चबी से, बेबी फेस वाले। लेकिन तुम्हारा बेबी फेस अब बेबी फेस नहीं रहा। हाँ? प्रीटी फेस जो हो गया है। थैंक यू। जूजू, एक साल पहले नौकरी लेने आए थे या फिर इस तीखी मिर्ची के साथ अपनी सेटिंग करने आए थे? भाई बात यह है कि जब दो दोस्त इतने सालों बाद मिलते हैं तो उन्हें बहुत सारी बातें करनी होती है और इन सारी बातों के लिए बहुत सा टाइम भी चाहिए। वो टाइम मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी इंटरव्यू का टाइम है प्रिया। सॉरी डैड, आप लोग इंटरव्यू खत्म कर लीजिए, मैं विकी से बाद में मिलूंगी। थैंक्स बेटा, मैं इंटरव्यू खत्म कर लेता हूँ, बाद में तुम लोग कैंटीन में मिल लेना। ग्रेट, बाय डैड। बाय। बाय विकी, ऑल द बेस्ट। बाय, थैंक्स। या तो शुरू करें विकी। या मैं भी देखती हूँ ये तीखी मिर्च मेरे जूजू से कैसे बात करती है। रेलू अंकल, आप समझ क्यों नहीं रहे? चिन्ना दीदी के पास उतनी पावर नहीं है कि वो वापस यहाँ आ जाए। अरे तो फिर वो लोग वापस कैसे आएंगे? उन्हें लाने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर 2004 में जाना होगा। हाँ, चलो जीनियस, चलते 2004 में। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो तुम लोग? तुम दोनों छोटे छोटे बच्चे हो, कहीं 2004 में जाकर खो गए तो? तुम्हारे साथ किसी बड़े और समझदार का होना बहुत जरूरी है। किसकी बात कर रहे हो आप? What do you mean, किसकी बात कर रहे हैं? अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे से ज्यादा समझदार यहाँ कोई है भला? तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नियम के हिसाब से भूतकाल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि भविष्य से कोई आया है, और ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि टाइम मशीन नाम की कोई मशीन है। अरे तो मैं कौन सा वहाँ पर ढोल बजाकर सबको बताने वाला हूँ, मुझे तो बस अपने दोस्त विकी और जीनी की चिंता हो रही है, इसीलिए साथ चलना चाहता हूँ। चलो चलो, ठीक है, चलिए चलिए। अगर वेला पास्ट में जाकर भूल जाए कि वो फ्यूचर से पास्ट में आया है तो जरूर कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे टाइम मशीन का रूल टूट जाएगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। टेंशन मत लेना, मैं साथ में हूँ। वेला, तुम जैसे ही 2004 में पहुंचोगे तुम टाइम मशीन के बारे में सब भूल जाओगे और ये भी भूल जाओगे कि तुम पास्ट में हो। 1, 2, 3, 3। तो ये है वो कंट्रोल पैनल, अब इसे किसी ना किसी को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। मैं चांद का टुकड़ा हूं, हूना। तीखी मिर्च 2004 में भी मेरी जूजू से वैसी चिपकी हुई है जैसे 2014 में चिपकी रहती है। चिपकू। Come on, Vicky, तुम कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूं? तुम ही बोलो ना। वाह, 2004 में कहती है विकी तुम कुछ बोलो ना, और 2014 में कहती है तुम तो कुछ बोलो ही मत। मैं भी क्या बोलूं, तुम ही बोलो ना। नहीं, तुम्हें बोलो,
बोलो ना। तुम बोलो ना। कोई जरूरत नहीं। चूचू प्लीज इसे जल्दी से भगाओ ताकि मैं आपको टाइम मशीन के बारे में बता सकूं। बोलो ना। तुम। हाँ बोलो ना। तुम। तुम। बस बहुत हो गया। कोई कुछ मत बोलो क्योंकि वैसे भी मैं तुम दोनों की बोलती बंद करने आ ही रही हूँ। तुम हाय विकी डार्लिंग। ओह विकी डार्लिंग, क्या आपने इस नई दोस्त से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे मुझे? प्रिया ये वो। तुम तो कुछ बोलो ही मत। और तुम कौन हो तुम जो विकी को डार्लिंग क्या की बुला रही हो? मैं इंग्लिश में इनकी वाइफ हूँ और हिंदी में धर्मपत्नी मिसेस विक्रम खन्ना। नाइस टू मीट यू। वेलू अंकल, हम लोग जीने दीदी और जीने के जुजू को ढूंढने जा रहे हैं। और हाँ प्लीज आप यही रहिए, कहीं मत जाइएगा। समझ गए वेल अंकल? ये क्या बात हुई यार, मैं क्यों ना जाऊं कहीं भी? अरे भाई मैं वेला हूँ, आजाद हूँ, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। ये राइड बहुत टफ थी यार। विकी कहाँ है? विकी ये क्या कर दिया यार, मुंह पे लगाएगा? चल ना शॉट देख। दिखा। ओह तेरा गया? मेरा गया। अब देख तू शॉट। चल छोड़ना, चल खाना बनाते। चल हाँ बनाते बनाते। ओह हो खाने से याद आया कि मुझे तो चतुर जी के यहाँ जाना है यार। क्यों भाई? अरे विकी लड़की वाले आ रहे भाई, तो उसको देखने आ रहे ना। तू काहे को फुकट में दूल्हा बन रहा है? विकी शादी का सवाल है यार। शादी उनका हो रहा है ना भाई, यू एक्टिंग स्मार्ट। विकी यार चतुर जी हमारे पड़ोसी हैं, उन्हें किसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मेरा माना जरूरी है ना यार। आई टोल्ड यू ना यू आर अ बैड एक्टर, डोंट ओवरएक्ट। ओके मेरे को समझ में आ गया क्यों जाना चाहता है तू उधर। क्यों? बहाना बना रहा है ताकि किचन में खाना नहीं बनाना पड़े। कम ऑन गेट लॉस्ट, गो यू वांट टू गो, गो गो। लेकिन लिसन, वापस आएगा ना खाना नहीं मिलेगा तेरे को, मैं तेरे को खाना नहीं देगा। गेट लॉस्ट, गो। चल अपने लिए बना और खा। क्या है कि लड़की वाले आ रहे हैं तो चतुर जी ने कुछ पकवान शकवान तो मंगवाए होंगे, तो मैं वही ठूस लूंगा। फुकट खा क्या फुकट, तेरे को पचेगा नहीं। विकी, विकी, पुत्री जी, ओए, यहाँ पे क्या? यहाँ पे क्या हो गया? Oh my God, लगता है बच्चों ने फिर कोई शरारत की है। कमाल है यार ये दोनों, कभी इंसान गायब कर देते हैं, कभी फर्नीचर बदल देते हैं। इसीलिए मुझे कहीं भी जाने से रोक रहे थे। Now I get it, विकी कहाँ है? विकी, तुमने बताया नहीं कि तुम शादीशुदा हो? Darling. बेबे वो बेबी? कौन बेबी? मेरा मतलब है तुम से कुछ बोलो ही मत। और एक बात बताओ, तुमने शादी की कब? अभी मतलब हाल ही में हुई और मैं अभी बताने भी वाला था पर। वाओ ग्रेट, बहुत अच्छा हुआ कि मेरी शादी हो गई। नहीं कि तुम्हारी बीवी आ गई। ओह अब आराम से यहाँ बैठो और इसके साथ कॉफी पियो, मैं तेरा डैड से मिलकर आती हूँ। नए पायलट्स को हायर करने का क्राइटेरिया जो डिसाइड करना है। सुनिए, ये कोई तरीका है? हाँ किसने कहा था तुमसे यहाँ आने के लिए? आ गई तो चुपचाप बैठो ना, क्या जरूरत थी प्रिया के सामने कहने की कि तुम मेरी बीवी हो? बीवी नहीं तो क्या बुआ? सच कहा है मैंने जुजू,
देखो चीनी, आप देखिए, आप यहाँ अपनी नौकरी फिक्स करवाने आए थे या फिर उस तीखी मिर्ची के चटकारे लेने आए थे? हेलो, मैं तो नौकरी के लिए ही आया था, बैठ के मैं चटकारे नहीं ले रहा था, समझे ना? तुमने आके यहाँ मेरा कैरेक्टर ढीला कर दिया। प्रिया, प्रिया गई है पापा के पास क्राइटेरिया सेट करने के लिए। देख लेना, वो यही क्राइटेरिया सेट करेगी कि जो भी पायलट या इंटरव्यू के लिए आते हैं वो शादीशुदा ना हो। पड़ गई कलेजे में ठंडक? नहीं, मेरे कलेजे में तो तब ठंडक पड़ेगी जब वो टाइम मशीन मिलेगी। मतलब ये कि टाइम मशीन कहीं गायब हो गई है और जुजू और 2014 में वापस लौटने का हमारे पास और कोई जरिया भी नहीं है। क्या? विकी, विकी कहाँ है तू? ओह माय गॉड, ये वीला अंकल तो बाहर ना फोड़ी देंगे। ये सब क्या है यार? ये क्या हुलिया बना रखा है पूरे घर का? हाँ, लोग उस टॉकिंग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हमेशा बड़ा साफ सुथरा घर रखता है ना। जस्ट टेल मी वन थिंग, तू इतने जल्दी कैसे आ गया? हाउ डिड दैट चतुर्जी लीव यू सो सून? चतुर्जी? अबे ये क्या बकवास कर रहा है यार तू? मैं कब गया चतुर्जी के यहाँ? चल चल, ज्यादा मजाक मत कर, मीटिंग के लिए देर हो रही है, चल जल्दी कर। कौन सी मीटिंग? हम बेरोजगार लोग को कौन सी मीटिंग? मैन बेरोजगार? दीदी पूरे घर में नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया। ओह नो चीनीस, और ये देखो भविष्य काल के वेला अंकल भूतकाल के विकी अंकल से बात करे जबकि हमने उन्हें मना किया था कैसा मत करना। आर यू टॉकिंग टू मी? बेरोजगार? चतुर्जी ने तेरा बाल काट दिया क्या? और ये क्या अंकल टाइप जोन के घूम रहा है? अंकल? मैं? वाह बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना हुलिया देख, ये बाल कैसे बढ़ गए तेरे रातों रात? जीनियस और झुंझुन ने तेरे को देखा इस हुलिया में? अब देखेंगी ना तो हंस हंस के लोट पोट हो जाएंगी। और जीनी, उसने देखा तुझे ऐसे? हैं कहां तीनों? कौन जीनी? That वो सीरियल वाली आई ड्रीम ऑफ जीनी, क्यूट चिका। काश अपने लाइफ में भी कोई ऐसी जीनी टाइप्स आ जाए, मजा आ जाए ना। टिंग ये आ जाए, टिंग वो आ जाए। हाँ यार, समझ गया, मैं सब समझ गया। बेटा बहुत हो गया तेरा मजाक, चल ऑफिस चल, मीटिंग के लिए देर हो रही है। बहुत शुक्रिया, वेट करोगे मीटिंग को यार। हाँ तो तू ये भी भूल गया होगा कि आज डेट कौन सी है, किस मुद्दे पे मीटिंग होनी है, डेट क्या है मालूम है ना? याद है चीनीस, इससे पहले वो कैलेंडर देखे, मैं कैलेंडर को अभी गायब करती हूँ। मुझे लगता है तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। एक तो अजीब हुलिया बना के घूम रहा है, अजीब अजीब नाम ले रहा है, क्या हो क्या गया तेरे को? जब हमारे पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो कौन बॉस, कैसा बॉस, व्हाट्स रॉन्ग विद मैन? ये सब बातें तू प्रिया के सामने मत बोल दियो। प्रिया? हाउ इज शी? न्यू चिकन एरिया, व्हाट, हाउ शी लुक्स? हु इज प्रिया? प्रिया कौन है बेटा? प्रिया वो है जिसके सामने तेरी गिग्गी बन जाती है, जिसके सामने तेरी बोलती बंद हो जाती है, जो कहती रहती है तुझसे तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम तो कुछ बोलो ही मत। चल अब इसके लिए लेट हो रहे हैं, चल बंद है ना ये, चला ले आना, कम ऑन मैन, कम कम, कुछ बोलो ही मत। क्यूट रे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वेला अंकल ऐसे बिहेव क्यों कर रहे, जैसे कि उन्हें पता ही ना कि वो 2014 में नहीं बल्कि 2004 में है। चीनीस कुछ तो गड़बड़ है। सॉरी, आपसे मिलने की खुशी में मुंह मीठा काट लिया मायरी। वैसे आई एम वेरी सॉरी कि आप लोगों को जमीन पे बैठने पड़े हैं, किंतु सासुरी दीदी इसके पीछे एक फिजिकल साइंस अच्छे मायरी। हमारा मम्मी बोलते थे कि जो लोग जमीन पे बैठते हैं ना माने उनका एजे घुटना हाय, उसमें कभी दर्द नहीं होते हैं माने। बाबा
देखो चोर, ये हैंडसम नहीं है, इंटेलिजेंट भी है। अरे आ गए आप लोग, अंकल आंटी। नमस्ते नमस्ते भाभी जी, स्वीट स्वीट भाभी जी। आंटी जी, मैं चतुर जी का दोस्त हूँ और पड़ोसी भी। भूलते बहुत है आप चतुर जी। देखिए ना, हमारी स्वीट स्वीट भाभी जी जमीन पे बैठी हैं। अरे जो कुर्सी लेके आए थे हमारे घर से, वो कहाँ है? अरे कुर्सी तो गायब हो गया मेरी। गायब हो गया? कैसे कैसे गायब हो गया? ऐसे कैसे मैंने, जैसे तुम थोड़ी देर पहले गायब हुआ था वैसे ही कुर्सी भी गायब हो गया। मैं गायब हो गया? लगता है थोड़ा गड़बड़ है। अरे थोड़ा गड़बड़ नहीं, पूरा गंडगोल है बेटा। हाँ जी। एक बात पूछना चाहता हूँ मैं तुमसे। है, है? तुम काम क्या करते हो? काम नहीं करते अंकल, सिर्फ आराम करते हैं। आराम? काम नहीं है? बूढ़ी बाबा एक बात बोलेगा हमको, वो अगर कमाता नहीं है तो फिर घर कैसे चलता है? घर कहाँ चलता है आंटी जी, घर में क्या पहिए लगे हैं? ये चलते हैं घर के अंदर, आप बिना। ये तो उससे भी बड़ा भूखा है भूखा। आप अपनी बेटी की शादी इनके साथ करके तो देखिए, ये जो 18-18 घंटे सोते ना दिन में, एकदम बंद हो जाएगा और थोड़ा मोटा काम भी कर लेंगे। लेकिन भाभी जी एक बात है, अपने चतुर जी ना एकदम हीरा है। बाबा आई भॉन्ट हीरा, देखो ना कितने हैंडसम है। आर यू आखिर पर्दा उठ ही गया, खिलौने की चाबी मेरे हाथ आ गई। इसमें कोई पावर सोर्स तो है नहीं, विच मीन्स कि ये बैटरी से चलती है। वैसे टाइम मशीन में एक साथ 7 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन अगर इसकी बैटरी धीरे धीरे खत्म कर दी जाए तो 7 के 7 लोग वापस तो नहीं आ पाएंगे। कोई ना कोई तो भूतकाल में अटकेगा जरूर। अब प्यारी संस्कारी बलिदान की देवी जीनी खुद बेशक भूतकाल में अटक जाए, लेकिन अपने जूजू को वापस जरूर भेजेगी। और उसके बाद जीनी का जूजू बनेगा मूनी का मूनू, मैं चांद का टुकड़ा हूं। अब जरा इसकी बैटरी ड्रेन की जाए। जिनजिन, ना तो जीनी दीदी का कुछ पता है और ना ही भविष्य की जीनी के जूजू का, दोनों यहाँ नहीं है। जीनिस, हो सकता है कि वो ऑफिस में हो। हाँ वही होंगे, और 2004 वाले जीनी के जूजू और वेला अंकल भी वही गए हैं। पता नहीं अब क्या होगा जीनिस। ओ नो, इससे पहले भूतकाल और भविष्य के लोग आपस में टकरा जाए हमें जल्दी ऑफिस जाना होगा। ओ जिनलोड, ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जीनियस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टाइम मशीन की बैटरी खत्म हो रही है, और अगर ऐसा हो गया तो हम सबके साथ 2014 में कभी नहीं जा पाएंगे। जीनियस, अब क्या होगा? जुनजुन तुम एक काम करो, तुम ऑफिस जाओ और जीने दीदी जीनी के जूजू और विलांग को यहाँ वापस लेकर आओ, तब तक मैं इसमें नजर रखती हूँ। ठीक है जीनियस। ये सब तुम्हारी वजह से भाई जीनी। जुनजुन तुम यहाँ? हाँ जीनी दीदी, कंट्रोल पैनल में लगातार रेड लाइट जल रही थी और आप लोग से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो हम लोगों ने वो टाइम मशीन को वापस मंगवाया और उसमें बैठ के मैं, वेला अंकल और जीनियस यहाँ पे आ गए। क्या? वेला को क्यों ले आए तुम? वो गधा, वो यहाँ आ गया। अब देख लेना, वो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करके रहेगा। मुसीबत तो सच में आ गई टेडी बेयर, वो टाइम मशीन बार बार रेड सिग्नल दे रही है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.